नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक। दर्शकों, हर रोज लेकर आते हैं हम आपकी समस्याओं के समाधान, जानते हैं क्या कुछ कहता है मूलांक के अनुसार भविष्य। आज भी जानेंगे कि कैसे आपके अंक बदलेंगे आपके भविष्य, आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, अंक हमारे जीवन में अलग ही महत्व रखते हैं। ये हमारी स्थिति को बिगाड़ भी सकते हैं और सुधार भी सकते हैं। तो जानेंगे कि अंकों के अनुसार क्या कुछ कहता है आपका भविष्य। साथ ही चर्चा करेंगे मोबाइल नंबर पर, यानी अगर आप नया मोबाइल नंबर लेने वाले हैं तो कौन से अंक आपके लिए शुभ रहेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कैलाश प्रज्ञा सुथार जी। बहुत बहुत स्वागत है कैलाश जी आपका। गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो, माँ बगलामुखी का पूर्ण आशीर्वाद आप सभी के ऊपर हो, यही शुभकामनाएं हैं हमारी। तो चलिए दर्शकों, चर्चा तो हम करेंगे ही, आपकी समस्याओं के समाधान भी लेंगे और शुरुआत करते हैं मूलांक के अनुसार क्या कहता है आपका भविष्य। जी मित्रों, मूलांक के अनुसार चर्चा करते हैं क्या कहता है आपका आने वाला कल, आने वाला भविष्य। और शुरुआत करते हैं मूलांक एक से। सूर्य का अंक है 1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख वालों के लिए सामाजिक दायरे में आप बहुत सक्रिय और सफल भी हो सकते हैं। किसी भी कठिन परिस्थिति में कई लोग आपका साथ देने के लिए तैयार रहेंगे हर वक्त। ज़्यादातर दोस्त आपके साथ हैं और आपका पूरा साथ निभाएंगे, लेकिन कुछ दोस्त गुप्त रूप से भी आपकी मदद कर सकते हैं, वह मदद आर्थिक भी हो सकती है। मूलांक एक के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, नीला जो रंग रहता है वह भरपूर आपके लिए मददगार लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक दो, चंद्रमा का भोले शंभु भोलेनाथ का अंक है 2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख वालों के लिए नौकरी पैसा लोगों के लिए समय ठीक ठीक ही रहेगा। कई तरह के मानसिक उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन परेशान न हो, थोड़ी बहुत शारीरिक परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य के अंदर घुटनों और जोड़ों के दर्द में आपको राहत मिल सकती है। बदलते मौसम के कारण बच्चों को सामान्य बीमारी हो सकती है, थोड़ा बच्चों का ध्यान रखिएगा। मेहनत के दम पर खुद को साबित करने में आप सफल हो सकते हैं। मूलांक दो के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, सफेद जो रंग रहता है दर्शकों, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके लिए। मूलांक तीन, अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक है 3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख वालों के लिए अपने पिछले किसी अनुभव को लेकर परेशान हो सकते हैं। इस समय आप पैसों से जुड़ा कोई जोखिम न लें, उधार किसी को न दें, नए काम करने में पूरी सावधानी रखें। सेहत स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा संभल कर रहिएगा। नए लोगों से मुलाकात हो सकती है और यह मुलाकात आपको अपने कार्य क्षेत्र के अंदर विशेष लाभ देगी। अपनी वाणी पर पूर्ण अपना नियंत्रण रखिएगा। मूलांक तीन के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, सफेद जो रंग रहता है दर्शकों, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके लिए। जी, तो मूलांक के बारे में तो चर्चा कर ली, साथ ही आपकी समस्याओं के समाधान भी हम लेते रहेंगे। तो सबसे पहले कॉलर हमारे साथ ओम प्रकाश जी भीलवाड़ा से जुड़ गए हैं और बेटे निर्मल के लिए जानना चाहते हैं 18/11/1983 डेट ऑफ बर्थ। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका, क्या सवाल है बेटे के लिए? नमस्कार, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही साहब। जी जी, विवाह नहीं हो रहा। 18 तारीख 9 का अंक मंगल का, मंगल अपने आप में विवाह में बाधा का योग पैदा करता है। मंगल प्रधान होने की वजह से मंगलवार वाले दिन शाम के समय, वही जो मंगल का समय रहता है 8:30 से 9:30 के बीच, किसी भी हनुमान मंदिर में जाके वहीं पे मंजिल अगर पानी है तो मंजिल तक पहुंचना पड़ेगा। हनुमान जी के मंदिर में 8:30 से 9:30 के बीच में हनुमान चालीसा और संकट मोचन हनुमान अष्टक के पाठ अपने पुत्रों को कीजिए, मंदिर में जाके कीजिए, गुड़ चने का भोग लगाइए तो मंगल का जो दोष है वह खत्म हो जाएगा। चलित में समय अच्छा चल रहा है, मंगल के प्रभाव के कारण विवाह में बाधा आ रही है
और अगर आपको काले रंग का बहुत शौक है तो यह शौक छोड़ दीजिए, यह जहर का काम कर रहा है आपके अंदर। काले रंग के कपड़े जितने ज़्यादा पहनेंगे नुकसान भी रहेगा और आ बैल मुझे मार वाली कहावत आपके ऊपर सिद्ध हो सकती है। हल्के रंग के कपड़ों का जितना प्रयोग करेंगे आपको लाभ ही लाभ रहेगा। बिल्कुल, तो ओम प्रकाश जी टिप्स आपको दे दिए हैं, वो टिप्स अपनाइएगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। आपके बेटे के लिए जो भी टिप्स दिए हैं वो कीजिएगा। और कैलाश जी आगे हम चर्चा भी करेंगे कि मोबाइल नंबर का हमारे जीवन में कैसे प्रभाव ये डालता है, और क्योंकि हमारे सभी के पास मोबाइल होते हैं तो वो कैसे हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले संदीप जी का कॉल लेते हैं, भीलवाड़ा से जुड़ गए हैं। 12/12/2005 डेट ऑफ बर्थ। संदीप जी स्वागत है आपका, क्या सवाल है, सवाल कीजिए जी। संदीप जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए आगे बढ़ते हैं, सोहन लाल जी का कॉल लेते हैं, नावा से ये जुड़ गए हैं। सोहन लाल जी स्वागत है आपका, डेट ऑफ बर्थ बताएं और फिर सवाल कीजिए। 14/1/1991 जी, और सवाल क्या है? शादी के बारे में पूछना, शादी कब होगी? शादी, शादी, वाह, 14 तारीख, वही 5 अंक 1 और 4। 5 अंक बुध का निर्माण हुआ है, बुध तो भगवान श्री गणेश विवाह के प्रतीक रहते हैं। थोड़ा सा संयम रखिए, चलित में 2019 विवाह के लिए अच्छा नहीं है, आपने समय से पहले प्रयास शुरू कर दिए। 19 नवंबर 2019 के बाद विवाह के योग बनते हैं। 2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख वाली लड़की से विवाह मत कीजिएगा, अन्यथा कुंडली में चाहे 30 गुण मिलते हो वैवाहिक जीवन बहुत उठापटक वाला रहेगा। आपको अगर विवाह करना है जो स्वयं कांक है, 14/1 और 4, 5 कांक 3 कांक और 7 कांक, 3 से तात्पर्य 3, 12, 21 और 30, 7 से तात्पर्य 7, 16 और 25। अपने स्वयं के अंकों की लड़की से विवाह कीजिए। 19 नवंबर 2019 के बाद प्रबल योग है, किसी भी भगवान श्री गणेश के मंदिर में अपने माता पिता को दोनों को साथ में ले जाकर, या अगर अन्यथा किसी एक को भी ले जाते हैं और भगवान श्री गणेश के मंदिर में विधि विधान से पूजा पाठ जैसी आपकी समर्थता है उसके अनुसार कीजिए तो आपका विवाह का योग और प्रबल होगा, घर बैठे आपको रिश्ता मिलेगा। बिल्कुल, और कैलाश जी अब चर्चा की तरफ रुख करते हैं। तो मोबाइल नंबर, मोबाइल हम सबके पास होता है, नंबर सबके पास होते हैं, तो वो हमारे जीवन में किस तरह से प्रभाव डालते हैं वो जानना चाहेंगे जी। मेघा जी, दर्शकों, जन्म तारीख का प्रभाव देखा, नामांक का प्रभाव देखा, भाग्यांक का प्रभाव देखा, वाहन के अंकों का प्रभाव देखा, लेकिन हम ये भूल गए जिन दिन भर हम जिन लोगों से बातचीत करते हैं, जो माध्यम है मोबाइल, और हमारी भी एक आइडेंटिटी रहती है मोबाइल नंबर, बैंक का OTP भी मोबाइल नंबर पे आता है अगर वो आपका है तो। जो मोबाइल नंबर रहते हैं उनका जो पूरा योग रहता है, जो 10 डिजिट के मोबाइल नंबर उनका पूरा योग करने पे जो योग है, वह अगर आपकी जन्म तारीख से मैच करता है, जिस तरह से मूलांक से नामांक, मूलांक से भाग्यांक मैच करते हैं, उसी प्रकार आपके मोबाइल नंबर का जो टोटल है वह आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच करना चाहिए, तभी वह मोबाइल नंबर आपके लिए सदैव फायदेमंद रहेगा। आपने अपने जो दुश्मन अंक रहते हैं उनके अंकों का अगर मोबाइल नंबर ले लिया तो आप कभी भी किसी से फ़ोन करेंगे या तो कॉल ही नहीं मिलता, या आपको पैसे मांगने वालों के फ़ोन ज़्यादा आएंगे, या आपके काम ही नहीं बनेंगे। बिल्कुल, तो नंबर आपको सही लेना है, गलत नंबर आपके जीवन में बहुत गलत प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन कौन सा नंबर सही है और कौन सा गलत, ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़ गए, उनका कॉल ले लेते हैं। ये आनंद जी हमारे साथ भीलवाड़ा से जुड़े हुए हैं, 13/1991 डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। आनंद जी स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। गुरुदेव, राधे राधे। राधे राधे आनंद जी। गुरुदेव, 12 साल हो गए मुझे पॉलिटिकल में करियर बनाते हुए, ना तो पॉलिटिकल में कुछ आगे बढ़ पा रहा हूँ और ना कोई गवर्नमेंट जॉब लग पा रही है। गुरुदेव, जन्म तारीख 13/13/1991 जी। आनंद जी, 13/7/1991 राहु आपके मूलांक में है,
एक आपका भाग्यांक है। ये राजनीति के बहुत अच्छे अंक माने जाते हैं, 4 और 1 का कॉम्बिनेशन। आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, इसके लिए बधाई। आपके योग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन 4 और 1 4 का अंक राहु का पितरों का माना जाता है। आपके ऊपर किसी गॉडफादर का आशीर्वाद होना चाहिए। 4 के अंक वालों को, जो आपका ननिहाल पक्ष है, जहाँ पे आपके मामा वगैरह रहते हैं, वहाँ से अगर कोई व्यक्ति राजनीति में है तो उसे अपना गुरु बना लीजिए। अन्यथा जिसकी जन्म की तारीख 3, 12, 21 और 30 हो, 4, 13, 22 और 31 हो, ऐसे व्यक्ति के साथ अपना तालमेल बिठाइए जो राजनीति में आपके आसपास सराउंडिंग के अंदर है, मूलांक 3 और 4 वाले, उनके सानिध्य में रहिए तो आपका भी राजनीतिक कैरियर चमक जाएगा। 4 के अंक वाले हैं। अगला जो वर्ष रहेगा 2020, वह 2 और 2 4 के अंक का रहेगा। आप निराश मत हो जाइए, अगले वर्ष आपको अपनी राजनीति में सफलता मिलेगी। संगठन की जो राजनीति रहती है उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर अभी आपको समय लगेगा। बिल्कुल, तो आनंद जी निराश बिल्कुल मत होइए, क्योंकि आप इतने समय से मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। और क्योंकि मेहनत का फल सबको मिलता है तो आप करते रहिए, हताश मत होइए। 2020 में आपका समय बहुत अच्छा आने वाला है। आगे भी चर्चा करेंगे मोबाइल नंबर पर, कि आपका मोबाइल नंबर कैसा होना चाहिए जो आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाले। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। और दर्शकों, आज हम अंक ज्योतिषी की चर्चा कर रहे हैं, मूलांक आपके जान रहे हैं, और साथ ही चर्चा कर रहे हैं कि मोबाइल नंबर कौन सा आपके पास होना चाहिए जो आपके जीवन में शुभता लेकर आए। तो चर्चा जारी रखेंगे आगे, लेकिन उससे पहले मूलांक 4, 5 और 6 आपके बारे में जान लेते हैं। जी दर्शकों, मूलांक 4 राहु का अंक है, पितरों का अंक है। 4, 13, 22 और 31 जन्म तारीख वालों के लिए, व्यापार करने वालों के लिए समय ठीक रहेगा। जो पैसों का जो लेन देन रहता है उसमें बहुत सावधानी रखिएगा। अगर गलती से किसी को उधार दे दिया तो नुकसान हो सकता है। उधार पैसा बिल्कुल भी ना दें। नौकरी पैसा वालों को बड़े लोगों से मदद मिल सकती है। बड़े लोगों से तात्पर्य उम्र में नहीं, पद में जो बड़े हैं उनसे। खर्चा बढ़ सकता है, कोई आपको कन्फ्यूज भी कर सकता है। जो छात्र वर्ग है, स्टूडेंट्स है, पूरा मन लगाकर पढ़ाई करें, सफलता जरूर मिलेगी। मौसमी बीमारियों से बच के रहिएगा। मच्छर के काटने से भी आप बड़े बीमार हो सकते हैं, बड़े बीमार बेड रेस्ट पे जा सकते हैं। मूलांक 4 के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, हरा रंग खान पान के अंदर, कपड़ों के अंदर और इंटीरियर के अंदर आपको विशेष रूप से लाभ देगा। मूलांक 5 बुध का, भगवान श्री गणेश का प्रतीक रहता है। 5, 14 और 23 जन्म तारीख वालों के लिए ऑफिस और बिजनेस में फायदा होने से आप खुश रहेंगे। नौकरी और व्यापार के कुछ मामलों में कन्फ्यूजन की स्थिति बन सकती है, और कामकाज पर पूरा ध्यान देने की कोशिश करें। दूसरों की देखा देखी बिल्कुल भी ना करें। कौन क्या कर रहा है उसको करने दीजिए। शिक्षा और राजनीति और कानून के मामलों में सफलता मिल सकती है, समस्याओं का समाधान मिल सकता है। इन दिनों आपका पद और सैलरी दोनों ही बढ़ सकती है। मूलांक 5 के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, नीला जो रंग रहता है वह बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आपके लिए। मूलांक 6 शुक्र का देवी कृपा का अंक माना जाता है। अधिकारियों से खास बातचीत होने के योग है। नई योजनाएं भी आज आपकी बन सकते हैं, जिनका फायदा आने वाले दिनों में भरपूर मिल सकता है आपको। स्वास्थ्य जो है, सेहत के मामले में समय अच्छा चल रहा है। अगर आप कोई लंबी यात्रा करना चाहें तो कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। मेहनत का पूरा फल भी आपको मिल सकता है। आज आप अपना परफॉर्मेंस सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। पति पत्नी दाम्पत्य जीवन के रिश्ते बहुत मजबूत होंगे। चूंकि शुक्र तो प्यार का अंक रहता है,
तो आज शुभ रंग भी इनके लिए गुलाबी जो रहेगा, गुलाबी नुमा मौसम रहेगा, गुलाबी नुमा खुशियां रहेगी, शुभ रंग आज आपके लिए गुलाबी रहेगा। जी तो ये तो मूलांक की बात हो गई, 7, 8, 9 आपके बारे में भी चर्चा करेंगे और मोबाइल नंबर के बारे में भी जानेंगे कि कौन सा मोबाइल नंबर आपके लिए शुभ होता है। लेकिन उससे पहले कैलाश जी कॉल ले देते हैं, हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, चंद्रा जी जुड़ी हुई हैं, माफ कीजिएगा चंद्र प्रकाश जी हैं ये टोडा भीम से और 29/6/1981 डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। स्वागत है चंद्र प्रकाश जी, क्या सवाल है? जी चंद्र प्रकाश जी अपना सवाल दोहराएं, आवाज आपकी साफ नहीं है। जी अब मेरे क्या है, दिन अच्छे नहीं है, कब आएंगे अच्छे? अच्छे दिन कब आएंगे? जी चंद्र प्रकाश जी 29 जून 1981 दो मूलांक में है और 9 भाग्यांक में, तो ये 2 और 9 का जो कॉम्बिनेशन रहता है सर, ये अपने आप में चंद्रमा और मंगल का रहता है, मंगल संघर्ष के बाद सफलता प्रदान करता है। चंद्रमा भगवान शिव का अंक माना जाता है, 9 मंगल का अंक माना जाता है, तो ये जो भगवान जो 9 और 2 का जो कॉम्बिनेशन रहता है, 9 और 3 का जो कॉम्बिनेशन रहता है, इन अंक वालों को सदैव शाम के समय बजरंग बली की पूजा अर्चना करनी चाहिए, गुड़ चने का भोग, मीठा पान, लौंग लगाकर बजरंग बली के मंदिर में जरूर चढ़ाएं, तो आपकी जो सफलता नहीं मिल पा रही, अच्छे दिन नहीं आ रहे, वह आपको इसी वर्ष 2019 में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, और कैलाश जी अब चर्चा का रुख करते हैं, चूंकि आपने ये तो बता दिया कि मोबाइल नंबर के जो अंक होते हैं उससे हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, अगर वो गलत हो तो वो जीवन में कष्ट भी दे सकते हैं, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि हमने जो मोबाइल नंबर लिया है वो सही है? दर्शकों ये कैसे पता चलेगा कि हमने जो मोबाइल नंबर लिया है वह सही है? जो वही बात जो आपके जन्म की तारीख है, अगर आप 1 तारीख यानी 1, 10, 19 और 28 को जन्मे हैं तो 1, 4 और 9 का अंक आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आपका जन्म 2, 5, 7 में हुआ है तो 2, 5, 7 और 9 का अंक अगर आप लेते हैं मोबाइल नंबर में तो आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आप 3, 6, 9 वाले हैं तो 3, 6, 9 का अंक योग जो है आपके मोबाइल नंबर का है तो वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। और आप 8 के अंक वाले हैं तो स्वयं का जो अंक है 8 उसका योग का मोबाइल नंबर लीजिए, या आप 6 के अंक का मोबाइल नंबर लीजिए तो आपके लिए हमेशा वह नंबर बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। जी बिल्कुल, और मोबाइल नंबर में कैलाश जी कई बार ये देखा जाता है कि 000 या 4×0 या 22666 5 जो है वो 4 बार आता है, तो ऐसे में इनका क्या अर्थ होता है, क्या संकेत होते हैं ये? दर्शकों बहुत बार देखा जाता है लोग VIP कल्चर को अपनाने के लिए 222, 333, 555 ऐसे अल्फाबेट टेट्रा नंबर के नंबर लेते हैं। आप जिस अंक के हैं और उसी अंकों को ध्यान में रखते हुए अगर आपने नंबर लिए तब तो रहेगा फायदा। अगर आपके जन्म की तारीख 1, 10, 19 और 28 है और आपके मोबाइल नंबर के पीछे के 4 डिजिट या 5 डिजिट 8 के अंक के हैं तो इतना ज़्यादा जो 8 का अंक शनि रिपीट हो रहा है वो प्रबल प्रभावशाली शनि का निर्माण करेगा और आपका बेड़ा गर्ग कर देगा। तो अपनी जन्म तारीख के अंकों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के नंबर लीजिएगा, अन्यथा इतने ज़्यादा अंकों का तालमेल प्रबलता बनाता है, अगर सुखद हो तो आदमी उठ जाता है वरना दुनिया से उठ जाता है। ये अंक बहुत घातक सिद्ध भी होते हैं अगर आपके अनुकूल न हो। बिल्कुल, तो मोबाइल नंबर लेते हुए किन बातों का आपको ध्यान रखना है और मोबाइल नंबर आपके जीवन में किस तरह से प्रभाव डालता है ये कैलाश जी हमें बता रहे हैं। कैलाश जी चूंकि हमने नेमोलॉजी के बारे में भी चर्चा की थी और तब आपने हमें बताया था कि नाम सही हो तो जीवन में सारी खुशियां ही खुशियां आती हैं वरना कष्ट बने रहते हैं, तो ऐसे ही अगर किसी को जन्म तारीख ना पता हो तो क्या वो मोबाइल नंबर किस हिसाब से ले सकता है, क्या नाम से ले सकता है? दर्शकों बहुत बार देखा जाता है लोगों को अपनी जन्म की तारीख नहीं मालूम, जो नए लोग हैं उनका सब मेडिकल काम हॉस्पिटल्स होता है, पुराने लोगों का जन्म घर पे हुआ करता था, तो जन्म तारीख लिखना या देखना ये वो स्वभाव में नहीं था। तो जो व्यक्ति विशेष को अपनी जन्म की तारीख नहीं मालूम वह 3 का अंक, 6 का अंक और 9 का अंक 3 गुरु एक सफल व्यक्ति का निर्माण करता है, बुद्धि का विकास करता है,
छह का अंक शुक्र का, देवी कृपा का पैसे का अंक माना जाता है और नौ का अंक मंगल का, अच्छे स्वास्थ्य और जमीन से जुड़े हुए कारोबार में सफलता का मालिक होता है। तो अगर आपको अपनी जन्म की तारीख नहीं मालूम तो आप अपने मोबाइल नंबर का योग तीन का अंक, छह का अंक या नौ का अंक ले सकते हैं, या अपने मोबाइल के नंबर में जितने ज़्यादा तीन, छः और नौ के अंकों का समावेश रखेंगे सफलता का प्रतिशत भी उतना ज़्यादा रहेगा। बिल्कुल, तो तीन, छः और नौ अंक अगर आपके मोबाइल नंबर में आते हैं तो आपको सफलता अधिक मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर अंक आठ आता है जी तो क्या कहते हैं दर्शकों? आठ का अंक शनि का माना जाता है, शनि अपने आप में उठा पटक का अंक माना जाता है। अगर आपके मोबाइल नंबर में आठ ज़्यादा है, आपकी जन्म की तारीख 6, 15 और 24, 8, 17 और 26 है, तब तो आठ का अंक आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगर आपकी तारीखें ये नहीं है तो आज ही अपना मोबाइल नंबर बदल लीजिए, अन्यथा आपको देखने को मिलेगा कि बरसों बरस आप एक छोटी छोटी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनका समाधान आपको नहीं मिल रहा, यह मोबाइल नंबर के कारण आपके जीवन में हो रहा है। और एक चीज़ विशेष रूप से, चाहे आपका जन्म 6 का हो या 8 का, मोबाइल नंबर में ज़्यादा अगर 8 के अंक की प्रधानता रहेगी या जिनके हैं पिछले 4 डिजिट, 5 डिजिट या 6 डिजिट 8 के अंक हैं, तो उन्होंने सदैव अपने पास्ट में देखा होगा कि जो उम्र में उनसे बड़े थे मेल, उनका प्रभाव उनके ऊपर खत्म होता जा रहा है, उनकी जो वाणी है वह भी खत्म होती जा रही है, उनका प्रभाव, अगर राजनीति से जुड़ा हुआ अगर कोई व्यक्ति है तो उसके आला कमान से रिश्ते भी खराब हो रहे हैं, जनता से भी रिश्ते बहुत खराब हो रहे हैं जी। और कई बार क्या होता है कि लोग अपने हिसाब से मोबाइल नंबर चुनते हैं, मतलब मोबाइल नंबर जो होता है वो खुद लेकर आते हैं तो जो उनके लिए लकी होता है। तो 786 अगर अंक मोबाइल नंबर में आते हैं तो क्या ये शुभता देता है? मेघा जी, बहुत बार देखा जाता है एक विशेष समुदाय, विशेष विशेष व्यक्ति विशेष 786 नंबर को बहुत लकी भी मानते हैं, अपने मोबाइल के अंकों में पिछले जो डिजिट है 786 उनका समावेश भी करते हैं। 7, 8 और 6 केतु, शनि और शुक्र ने मिलके तीन के अंक गुरु का निर्माण किया है, जो अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक माना जाता है। तो 786 नंबर अगर आप अपने मोबाइल नंबर में लेते हैं बहुत लाभदायक सिद्ध होगा, आपको लाभ भी रहेगा, आर्थिक उन्नति भी मिल जाएगी जी। चलिए, तो ये तो चर्चा मोबाइल नंबर पर हुई, लेकिन मूलांक की तरफ बढ़ते हैं और 7, 8, 9 मूलांक आपके लिए जान लेते हैं कि क्या कहता है आपका भविष्यफल। जी दर्शकों, मूलांक 7 केतु का जल देवता का अंक है, स्टूडेंट्स के लिए ये सप्ताह, ये दिन, ये माहौल बहुत सामान्य रहेगा, लेकिन निराश ना हो, मेहनत करें, अभी की गई मेहनत का फल आने वाले समय में सफलता के रूप में मिल सकता है, ऐसी स्थितियां बन सकती है जिनसे आपको अच्छा खासा फायदा हो जाएगा, दोस्तों के सहयोग से पैसों के मामलों में योजना बनाकर ही काम कीजिएगा, अचानक धन लाभ हो सकता है। मूलांक 7 के लिए शुभ रंग अगर हम बात करें, स्लेटी जो रंग रहता है वह बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आपके लिए। मूलांक 8 शनि का अंक है, देवी कृपा का अंक है, आपकी रुकावटें दूर हो सकती है, नतीजे आपके फेवर में रहने की संभावनाएं हैं, पैसों से जुड़े कई मामले आपके सामने आ सकते हैं, कई मौकों पर आपको नजर आएगा कि कोई बड़ा फैसला किसी अनुभवी की सलाह लेकर ही करने में आपको बहुत लाभ हो रहा है, वाहन जो है सावधानी से चलाएं, दुर्घटना भी हो सकती है, पैसों से जुड़े मामलों में सावधानी से फैसला ले, कोई परिवार में अगर संपत्ति का विवाद है तो वह खत्म हो सकता है, नतीजे आपके बहुत फेवर में रहेंगे। मूलांक के लिए बात की जाए तो ब्राउन कलर जो रहता है मूलांक 8 वालों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके। मूलांक 9 मंगल का अंक है, नौकरी पैसा लोगों के लिए समय ठीक रहेगा, कैरियर को लेकर आप सावधान रहें, किसी अनजान व्यक्ति की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें, उनकी बातों में ना आए, बेकार की उलझनों में फंस सकते हैं, ऑफिस या फील्ड में भाग दौड़ ज़्यादा हो सकती है, आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी, पारिवारिक जो है भाइयों से माता पिता से पूरी एकजुटता रहेगी, आपके जीवन में एक सकारात्मक दौर भी शुरू हो सकता है, उसका पूरा फायदा उठाएं। मूलांक 9 के लिए शुभ रंग अगर हम बात करें, क्रीम जो रंग रहता है वह बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके लिए।
तो कौन से रंग आपके जीवन में शुभता देंगे और क्या कुछ मूलांक के अनुसार कहता है आपका भविष्य, साथ ही मोबाइल नंबर के बारे में हमने चर्चा की। उम्मीद करते हैं ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। कैलाश जी स्टूडियो में आने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी मेरे गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो। बजरंग बली की माँ बगलामुखी का पूर्ण आशीर्वाद आपको हमेशा प्राप्त होता हो, यही हमारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है और जानना चाहते हैं समाधान, तो आप हमें सोमवार से शनिवार कॉल कर सकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।